तो गाइस अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 जल्द ही आने वाला है, इसलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा क्यों ना हम सारी सीजन्स का एक रिकैप बनाते हैं। तो हाँ गाइस, मैं हूँ वंस फ्रॉम स्लेयर डबर्स और आज मैं करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 का रिकैप। सो लेट्स स्टार्ट। तो तकरीबन 100 साल पहले आउट ऑफ नोवेयर अचानक से टाइटन्स आ गए, जो एक ही काम करते थे, इंसानों को खाना कच्चा जिंदा। इसलिए इंसानों ने 3 वॉल्स बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। नहीं, ये वाला सीना नहीं, वॉल। तो तभी कहानी चालू होती है प्रेजेंट टाइम से, जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एरेन येगर अपने एक दोस्त आर्मिन को कुछ बच्चे से बचाने जा रहा है जो उसे बुली कर रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। और वहीं पे होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड मिकासा। मिकासा सो क्यूट इन हिज चाइल्डहुड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वो लोग उससे बचा तो लेते हैं, लेकिन तभी अचानक आ जाता है एक वॉल से भी बड़ा टाइटन, कोलोसल टाइटन। और कोलोसल टाइटन के साथ आ जाता है आर्मर टाइटन, जो वॉल को तोड़ के अंदर घुस जाता है। यार ये वॉल अंबुजा सीमेंट से बनानी चाहिए थी, आर्मर टाइटन क्या उसका बाप भी नहीं तोड़ पाता। सॉरी। तो तभी आर्मर टाइटन वॉल तोड़ के सिकांत सेना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, और तभी ये सब एरन देखता है और सारे टाइटन्स वहाँ के लोगों को खा रहे होते हैं। तभी एरन भागता है अपने घर की तरफ और देखता है कि एक टाइटन उसकी आंखों के सामने उसकी मोम को खा रहा है। एरन तभी वहाँ से भाग जाता है, मतलब भागता नहीं है, लेकिन उसे कोई सोल्जर्स लेके चले जाते हैं दूर। और तभी एलन एरन का बस एक ही मकसद होता है बदला टाइटन से, हर एक टाइटन्स की जान लेना और अपनी मॉम का रिवेंज लेना। इसलिए वो 5 साल तक मेहनत करता है एक सोल्जर बनने की, और 5 साल बाद फिर से आर्मर कोलोसल टाइटन आता है, उसके साथ आर्मर टाइटन आता है। आर्मर टाइटन फिर से वॉल में एक छेद कर देता है। यार अंबुजा सीमेंट से क्यों नहीं बने वॉल? आर्मर टाइटन क्या उसका बाप? सॉरी सॉरी, गलती हो जाती है। हाँ, तो अब आर्मिन, मिकासा और एरन अपने एक एक कॉमरेड्स को मरते हुए देखते हैं। एरन एक तरफ चले जाता है आर्मिन के साथ, और मिकासा दूसरी तरफ लोगों को बचाने चली जाती है। वहीं पे आर्मिन एकदम टूट जाता है, और तभी उसके सामने आता है एक टाइटन। वो टाइटन आर्मिन को मारने ही वाला होता है, तभी एरन आ जाता है, लेकिन आर्मिन को बचाते बचाते एरन को वो टाइटन खा लेता है। सैड टाइम। उसी के बाद आर्मिन एकदम चुपचाप एक जगह बैठा होता है, और तभी मिकासा आके पूछती है क्या हुआ, और तब आर्मिन बताता है एरन टपक गया। हाँ, तो उसके बाद वो दोनों टूट जाते हैं। फिर भी मिकासा कोशिश करती है टाइटन से लड़ने की, लेकिन एक पॉइंट पे वो हार जाती है, और एक पॉइंट पे एक टाइटन उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा टाइटन आ जाता है, जो इंसानों को खा नहीं रहा था, टाइटन्स को मार रहा था। अच्छी बात है, अपने ही लोगों को मारो सालो, ठीक है। तो अब सबको बाद में पता चलता है कि ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन येगर ही होता है। तो सब लोग डर जाते हैं, और सबको लगता है कि एरन ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। लेकिन एरन खुद को साबित करने के लिए एक बड़े से पत्थर से, जो आर्मर टाइटन ने छेद किया होता है, उसे बंद कर देता है अपने टाइटन फॉर्म में, और सब लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा अच्छा दोस्त है। तो फिर एरन को तभी कैप्टन लीवाई की स्क्वाड में डाल दिया जाता है, जिसे कमांड कर रहे होते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, कमांडर एरविन। और तभी स्काउट टीम कैप्टन लीवाई के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए जाती है वॉल्स के बाहर, लेकिन वॉल्स के बाहर उन्हें मिलती है एक फीमेल टाइटन, जो
एकदम स्मार्ट होती है दूसरे टाइटन से, और उसे देख के ही कोई भी बता सकता था कि ये भी एरन की तरह ही एक टाइटन है जो जिसके अंदर एक इंसान है। सब लोग डर जाते हैं, सब लोगों को थोड़ा पता नहीं होता है क्या करना है। और एक पॉइंट पे फीमेल टाइटन आर्मिन को मारने वाली होती है लेकिन नहीं मारती, और वो एरन की तलाश में चली जाती है। वहीं पे कैप्टन लीवाई के सारी टीम मेंबर एरन को बचाने में शहीद हो जाते हैं, एंड एरन को फीमेल टाइटन लेके भाग रही होती है। ये सब देख के कैप्टन लीवाई की सटक जाती है, और वो जो कूटते हैं ना यार फीमेल टाइटन, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार। मतलब क्या कूटते हैं, मतलब एकदम खतरनाक है, खरेच देते हैं और एरन को बचा लेते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि फीमेल टाइटन कोई और नहीं बल्कि एन ही है जो एरन, मिकासा और आर्मिन के साथ ही ट्रेन हुई थी। जब तक वो लोग पकड़ते आनी को तब तक उसने अपने आप को एक टाइटन में फिर से फॉर्म कर लिया, और एरन की भी सटक जाती है, वो भी टाइटन बन जाता है। और जो कूटता है ना फीमेल टाइटन, मतलब आह मज़ा आ जाता है। बेचारी फीमेल टाइटन पहले अपने लीवाई ने मारा, फिर एरन ने मारा बेचारी, और तभी एनी वहाँ उस टाइटन के अंदर से बाहर निकलती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक क्रिस्टलाइट चीज़ में वो बंद कर देती है और सो जाती है। इतनी मेहनत करेगी तो सोएगी नहीं ना। हाँ, और इस लड़ाई में वॉल्स पे बहुत छेद हो जाते हैं, और तभी वो लोग देखते हैं कि वॉल के अंदर टाइटन्स कैप्चर्ड हैं, एंड यहीं पे सीज़न 1 एंड होता है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मुझे मालूम है मेरी वॉइस में थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन तुम लोग कर लोगे यार, मेरे को मालूम है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, एंड मैं नया रिकैप जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और एक चीज़ याद रखना, साला अंबुजा सीमेंट से क्यों नहीं बनाई वॉल।